नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं सिंघाड़े की बर्फी, जिसके लिए हमने एक पैन लिए हैं। पैन में एक चम्मच बड़ा चम्मच देसी घी डाले हैं। उसके बाद हमें एक कप सिंघाड़े का आटा लिए हैं। आप मार्केट से ऐसे भी मंगा सकते हैं, खड़े सिंघाड़े को मिक्सर के जार में पीस भी सकते हैं। इसे हमें अच्छे से भूनना है। इसी तरह कंटिन्यू हमें इसे भूनना है। देखिए कलर चेंज हो चुका है, ये अच्छे से भुन भी चुका है और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब हमें दूसरे बाउल में निकाल लेना है। अब डालेंगे हम पैन में एक कप पानी और चीनी। आप कम ज्यादा मीठा कर सकते हैं। उसके बाद हमें एक बाउल में लेकर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें सिंघाड़े का जो आटा है उसे घोल बनाना है। गुठलियां बिल्कुल ना रहे, इसी तरह हमें घोल बना लेना है। देखिए हमारा घोल बन चुका है और चीनी भी गल चुकी है। अब हमें घोल को चीनी के सिरे में डालना है। अब हम डालेंगे उसमें कटा हुआ काजू, कटा हुआ बादाम, कटी हुई गरी, इसे भी डालकर हमें पकाना है। इसी तरह हमें कांटे में इसे घुमाना है। इसी तरह हमें चलाते रहना है जिससे ये रवे न बनने पाए। लगभग इसे 5 से 6 मिनट तक इसे पकाना है। इसी तरह हमें इसे पका लेना है। देखिए लगभग ये पक चुका है। अब हम एक थाली लेंगे और थाली में देसी घी लगाएंगे। लगाकर हमें इसे थाली में निकालना है। इसी तरह हमें एक थाली में निकाल लेना है और ठंडा होने के लिए हमें इसे रख देना है। देखिए ये ठंडा हो चुका है और कद्दूकस किया हुआ गरी के बुरादे हम डाल दिए हैं। अब हम चक्कू के सहायता से इसे काटेंगे। बर्फी के आकार में इसी तरह हमें काट लेना है। आप इसे व्रत में भी खा सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और फायदेमंद भी होता है। सिंघाड़ा स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। देखिए कितना सुंदर सा बर्फी के आकार में ये कट चुका है। इसी तरह आप भी अपने घर पे जरूर बनाएं और मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।